रमजान के महीने के पूरा होने पर आने वाला त्योहार ईद उल फितर शुक्रवार को कोरोना की वजह से शहर में बड़ी ही सादगी से मनाया गया। इस दौरान मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ सभी मुस्लिम बंधुओं ने इस त्योहार को बड़ी ही शांति से अपने घर पर नमाज अदा कर करा। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान के बाद शवाल की पहली तारीख को ईद उल फितर मनाई जाती है। सुबह की नमाज से इसकी शुरुआत हो जाती है। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक रमजान महीने के अंत में ही पहली बार कुरान आई थी। मक्का से मोहम्मद पैगंबर के प्रवास के बाद पवित्र शहर मदीना में ईद उल फितर का उत्सव शुरू हुआ था। हालांकि पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी ईद का ये त्योहार कोरोना के साए में आया है, जिस वजह से शहर में इस त्योहार को बड़ी ही सादगी से मनाया गया। मुस्लिम बंधुओं ने घरों पर रहकर ही ईद उल फितर की नमाज अदा की और ईद में एक दूसरे से गले मिलने के बजाय दूर से ही मुबारकबाद देकर खुशियां बांटी। सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो सभी देशवासियों को और नागपुर वासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये ईद भी पिछले साल की ईद की तरह रही है। पिछले साल भी हम लोग ने घरों में रहकर ईद की नमाज पढ़ी, इस साल भी हमको घर में रहकर ईद की नमाज़ पढ़नी पड़ रही है। कारण आप सबको पता है, कोरोना महामारी है, इसलिए हम लोगों को इस चोर का ध्यान रखना है कि जो बीमारी है ये हमारे देश को बहुत कमज़ोर कर रही है। इसलिए हमें देश हित में देश को हमारे सहयोग की ज़रूरत है, देश को हमारे सहयोग की ज़रूरत है। इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पालन करना है और हमारा देश स्वस्थ और अच्छा रहे, इसलिए हमें भीड़ भाड़ की जगह जाने से बचना है। और ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि हमारे देश को आज हमारी ज़रूरत है, हमारे सहयोग की ज़रूरत है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचें, अपने परिवार में रह के ईद मनाएं, अपने परिवार के साथ में रह के, अपने बच्चों के साथ में रह के ईद की खुशियों को बांटें। मैं इतना ही आप लोगों से कहना चाहूँगा और मैं सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और सभी समाज, सभी धर्मों के, क्योंकि हम पिछले साल से देख रहे हैं के सभी धर्मों के त्यौहार आए हैं। हमारे दलित समाज के त्यौहार आए हैं, हिंदू भाइयों के त्यौहार आए हैं, मुस्लिम समाज का त्यौहार आया है, सभी लोग ने सहयोग किया है, त्यौहार को घरों में रह के अपने लोगों के बीच में रह के मनाया है और देश को सहयोग किया है। इस देश को आज हमारे सहयोग की ज़रूरत है, इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और वापस से मैं आप सभी को ईद की मुबारकबाद पेश कर लूँगा। और इतना कहकर मैं आपको ईद के त्योहार को सादगी से मनाने की अपील मुस्लिम धर्म गुरुओं द्वारा दी गई थी, जिसका पालन मुस्लिम बंधुओं द्वारा किया भी गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। आप तमामी हजरात को ईद उल फितर की बेशुमार मुबारकबाद कबूल हो। यकीनन ये ईद सईद, ईद उल फितर रोज़ेदारों के लिए एक इनाम है। अल्लाह का रोज़ेदारों के लिए एक नायाब और अनमोल तोहफा है। यकीनन ये खुशी का वक्त है, खुशियाँ बांटने का वक्त है, खुशियाँ देने का वक्त है। मगर इस वक्त हिंदुस्तान में जो गमों के बादल कोरोना की शक्ल में आए हैं, उसने कहीं ना कहीं हमारी ईद की खुशियों को छीन लिया है। आज हमारे सामने इस कोरोना वायरस की बुनियाद पर पिछले कुछ महीनों से सिर्फ लाशें ही लाशें दिख रही हैं। आज हमने अपने रिश्तेदारों को खोया है, अपने माँ को खोया है, अपने बाप को खोया, अपने भाई को खोया है। तो बताइए ये ईद, ये खुशी हम कैसे मनाएं? ईद के रोज ईदगाह और मस्जिदों में सिर्फ 4 लोगों की जमात के साथ ईद की नमाज पढ़ी गई। इस वक्त कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए पुलिस धर्म गुरु ने भी खास अपील लोगों से की। बीसीएन न्यूज के लिए दिशा हटवार की रिपोर्ट।